मुआवजा एक ऐसा अमल है जिसमें डॉक्टर के मशवरे के बगैर बगैर किसी तशखीस के खुद से मेडिसिन ले ली जाती है। तो इसके बहुत से मनफी असरात हैं बॉडी पे, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, तो जैसे कोई बंदा जाके पैनडोल लेता है या डिस्प्रिन लेता है, क्या वो भी इसी के अंदर आ जाएगी या नहीं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ओटीसी है, क्या वही रहेंगी या जी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कुछ भी इसके अंदर? कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो अलाउ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिनको आप ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग में ले सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ ड्रग्स पेशेंट ले लिए खुद से जाके, जिसकी तशखीस ही नहीं करवाई, उसे अभी अपना मर्ज ही प्रॉपर नहीं पता, उसे अभी पता ही नहीं है उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके पीछे रूट कॉज क्या है, लेकिन उसको सर में दर्द है या उसको बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उसने उससे रिलेटेड जो पहले कभी किसी को देखा मेडिसिन लेते हुए, तो वो उसकी या फैमिली में आसान। से कोई बंदा है जो ऑलरेडी किसी बीमारी उसको एग्जैक्टली है, तो उसने वो देखी, तो उसने बगैर प्रोफेशनल के साथ डिस्कस मशवरे के, किए हुए बिल्कुल जो है ना उसको कर लिया। बिल्कुल, बगैर किसी एमबीबीएस डॉक्टर के मशवरे के या किसी भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनके मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन अगर ली जाए तो वो खुद मुआवजे में ही कंसिडर तो होती हमारे तो है। यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि एलोपैथिक सिस्टम है जिसमें आमतौर पे डॉक्टर एमबीबीएस करते हैं, या होम्योपैथी भी यहाँ पे है, और आयुर्वेदिक भी कई जगहों पे है, और इसके साथ साथ जो यूनानी मेडिसिन भी है। क्या उनकी दवाइयों को भी अगर हम बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल करेंगे तो उनके भी नुकसान हो जी सकते हैं? बिल्कुल, जी बिल्कुल, हर मेडिसिन सिस्टम अपनी एक अफादियत रखता है। हर मेडिसिन सिस्टम में एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू तशखीस की जाती है, और उस तशखीस के अगेंस्ट ही आपको मेडिसिन लेना होती है। अगर खुद मुआवजा किया जाएगा तो मेडिसिन का असर जो आपने लेना है जिस बीमारी के खिलाफ, आप वो नहीं ले पाएंगे, बल्कि उसके जो एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा जो उसके बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे जो पाकिस्तान है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे तो नाज़रीन ये इंटरनेशनल चैनल है, तो सब लोग बाकी भी बाहर से भी देख रहे हैं, तो जो सेल्फ मेडिकेशन है, अगर हम ख़ास अपने पाकिस्तान के हवाले से देखें, तो उसकी वजह क्या है? लोग क्यों सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं? जी डॉक्टर हफीजुल्ला साहब, इसमें मैं ये समझती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन की सबसे बड़ी वजह आजकल तो ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाएं और जाके अपना पूरी तशखीस करवा के मेडिकेशन करें। एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, वेल अवेयर नहीं हैं, गूगल जिंदाबाद पे रहते हैं और उनको लगता है कि हमने जो सिम्टम आ रहे हैं उसको गूगल पे देखा, मिसगाइड हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही से मेडिकेशन करने लग जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी हेल्थ केयर सिस्टम भी समहाउ रिस्पॉन्सिबल है इस प्रॉब्लम के हमारे माशरे में फैलने का, कि हमारे जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं वो प्रॉपरली लोगों को आगाह नहीं करते कि ये जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है ये सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल के लिए है, और जो हमारे फार्मेसी पे फार्मासिस्ट हैं या जो भी मेडिसिन को पेशेंट तक देने का काम कर रहे हैं, काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग का काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर पेशेंट को बताते नहीं हैं कि आपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ आना है, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी वो हाँ, मेडिसिन और दिए जा दूसरा रहे ये हैं। कि प्रिस्क्रिप्शन किसी और के लिए नहीं, वो सिर्फ आपकी तशखीस हुई एग्जैक्टली और आपकी बीमारी के लिए, जी ठीक बिल्कुल हो गया।